धैर्य की माँ सीमा उसको जन्म देते ही चल बसी थी। धैर्य अब 4 साल का हो चुका था। वो माँ के बिना अपने आप को अकेला महसूस करने लगा, इसलिए सौरभ को दूसरी शादी करनी पड़ी। धैर्य बेटा, ये तुम्हारी माँ है, आओ अपनी माँ से नहीं मिलोगे? आओ मेरे पास आओ बेटा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगी। धैर्य अपनी माँ के साथ बहुत घुल मिल कर रहने लगा। ऐसे ही कई दिन बीत गए। एक दिन विशाखा ने एक नन्ही सी बेटी को जन्म दिया। धैर्य बेटा इधर आओ, ये तुम्हारी छोटी बहन है। जब ये बड़ी हो जाएगी तो तुम्हारे साथ खूब खेलेगी और तुम्हें भैया कहकर बुलाएगी। मेरी छोटी बहन कितनी अच्छी है ना पिताजी? हाँ बेटा। अभी तक सब सही चल रहा था। एक दिन विशाखा की माँ कमला उससे मिलने उसके घर आई। देख रही हूँ मैं, तू अपनी बेटी को छोड़ उस सौतेले लड़के से ज्यादा प्यार करती है। तुझे जरा भी अंदाजा है क्या, ये जो इतनी बड़ी जमीन जायदाद है वो सब तेरी बेटी को नहीं, इस सौतेले को मिलेगी। माँ ये आप कैसी बातें कर रही हैं? पहली बात तो वो मेरा सौतेला बेटा नहीं, अपना बेटा है। और रही जायदाद की बात, वो किसी को भी मिले, है तो दोनों बच्चे मेरे ही। कितना समझाया पर इस लड़की को समझ में कुछ नहीं आता। अब जो करना है मुझे ही करना है। विशाखा बेटी, अब मैं इतनी दूर से आई हूँ तो सोच रही हूँ कि कुछ दिन रह कर ही जाऊँ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे भी तुम्हारे साथ रहने को मिल जाएगा। तभी वहाँ धैर्य भी आ जाता है। धैर्य बेटा ये तुम्हारी नानी है, चलो नानी को नमस्ते करो। धैर्य नानी को नमस्ते करके अपनी बहन के साथ खेलने लगता है। विशाखा भी किचन में काम करने चली जाती है। यही अच्छा मौका है इसे सबक सिखाने का। इस लड़के को मैं कभी भी ये संपत्ति तो लेने नहीं दूंगी, ये सब मेरी बेटी का है और उसके बच्चे का। हाँ कमला विशाखा की बेटी मान्या को चुपचाप चूटी भर लेती है तो वो जोर जोर से रोने लगती है। हाय रे, ये देखो क्या कर दिया इस छोटी सी बच्ची का, बेचारी के लाल पड़ गया। क्या हुआ माँ, मान्या इतना रो क्यों रही है और इसे आखिर हुआ क्या? किस चीज के बारे में आप बोल रही हो? यही कि इस धैर्य ने मान्या को चूटी भरी। अरे ऐसा भी कोई खेल होता है क्या भला? इस लड़के को जरा अपनी बच्ची से दूर रख, मैं बताए दे रही हूँ तुझे। माँ मैंने कुछ नहीं किया। धैर्य वो छोटी बच्ची है, उसके साथ इस तरह नहीं खेलते, जाओ यहाँ से, अब इससे दूर रहना। धैर्य रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। अगले दिन कमला चुपचाप मान्या को धैर्य की गोद में लिटा देती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। विशाखा विशाखा ये देख यहाँ, जल्दी आओ। विशाखा दौड़ती हुई वहाँ आती है। क्या हुआ माँ, मुझे क्यों बुलाया? ये देखो तेरे इस बेटे ने क्या हरकत की, मान्या को गोद में उठाकर घूम रहा है। वो तो भगवान का शुक्र है जो मैंने देख लिया और वक्त पर आकर उसे पकड़ लिया, नहीं तो पता नहीं क्या होता। अभी ये खुद को तो संभाल नहीं सकता, इसे क्या संभालेगा। विशाखा को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में धैर्य को एक थप्पड़ मार देती है। फिर क्या था, कमला झूठ बोलकर रोज धैर्य को विशाखा के हाथों मरवाती। अब विशाखा धैर्य को जरा भी पसंद नहीं करती थी। विशाखा को तो मैंने उस लड़के से दूर कर दिया, अब बारी है दामाद जी की। अब मुझे दामाद जी को भी उस धैर्य से दूर करना होगा, इतना दूर कि वो इसकी सूरत देखना भी पसंद ना करे और उसे इस घर से कहीं दूर फेंकाए। अगले दिन जब सौरभ ऑफिस के लिए निकलने ही वाला होता है तभी कमला जानबूझकर फर्श पर पानी गिराकर उस पर गिरने का नाटक करती है और नाम लगा देती है धैर्य पर। हाय रे मर गई। अरे सासू माँ, ये सब क्या है, कैसे गिरी आप? दामाद जी ये सब तुम्हारे इस बेटे का किया धरा है, इसने यहाँ जानबूझकर पानी डाला ताकि मैं यहाँ गिर जाऊँ, बहुत शैतान है तुम्हारा ये बेटा। सौरभ धैर्य को खूब डांटता है। धैर्य रोता हुआ वहाँ से सीधा अपने कमरे में चला जाता है। धैर्य रो ही रहा होता है कि तभी उसके पीछे एक चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है। चुड़ैल धैर्य के सिर पर प्यार से हाथ फेरती है और बोलती है, बस इतने से ही घबरा गए, अभी तो तुम्हें पता नहीं किन किन और मुसीबतों को झेलना है बेटे। धैर्य चुड़ैल को देखकर बहुत डरने लगता है, डर से उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकलती। डरो नहीं बेटा, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, मैं बस तुम्हारी रक्षा करने आई हूँ उन लोगों से जो तुम्हें इतना कष्ट पहुँचाते हैं। अब तुम नहीं वो लोग रोएंगे, बस तुम देखते जाओ। सुबह का समय था, सभी टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे। सभी खाने में व्यस्त थे तभी चुड़ैल टेबल के नीचे आ जाती है और कमला का पैर पकड़कर उसे कुर्सी से नीचे गिरा देती है। हाय रे मर गई मैं, मुझे किसने गिराया जरा बताओ। माँ तुम कैसे गिरी, ध्यान से बैठा करो माँ। किसी ने मेरा पैर खींचकर मुझे नीचे गिराया था, जरूर इस धैर्य ने गिराया होगा। वो कैसे गिरा सकता है, वो तो कब से यहीं हमारे सामने बैठा है। माँ तुम्हें ऐसे खाने की आदत नहीं है ना, इसलिए तुम शायद अपने आप ही गिर गई होगी।
नाश्ता करने के बाद सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। धैर्य छत पर अकेला खेल रहा था। कमला चुपके से उसे देख रही थी। यहाँ आसपास कोई नहीं है, यही अच्छा मौका है, मैं इसे छत से धक्का दे दूंगी और फिर इसका काम तमाम। कमला चुपचाप धैर्य को छत से धक्का दे देती है, पर नीचे खड़ी चुड़ैल उसे अपनी गोद में पकड़ लेती है। धैर्य चुड़ैल से लिपट जाता है। मेरे बेटे को इसने धक्का देकर ठीक नहीं किया, अब इसे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। कमला चुपचाप सीढ़ी से उतर ही रही होती है कि चुड़ैल उसे पीछे से धक्का दे देती है। सीढ़ी से लुढ़कती हुई कमला सीधा नीचे जाकर गिरती है और जोर जोर से रोने लगती है। नानी, क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रही हो? मैं अभी माँ को बुलाकर लाता हूँ। मैंने इसे इतने ऊपर से धक्का दिया था, पर ये तो बिल्कुल ठीक ठाक है, इसके तो जरा सी खरोच भी नहीं आई। विशाखा माँ को सहारा देते हुए उन्हें कमरे तक ले जाती है। कमला को बहुत दर्द था, वो हिल भी नहीं सकती थी, इसलिए बिस्तर पर ही लेटी रहती थी। रात का वक्त था, सभी सोए हुए थे, पर धैर्य अपने कमरे में जाग रहा था। क्या हुआ धैर्य बेटा, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? तुम तो चुड़ैल हो तो मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मुझे क्या हुआ है? रहने दो, मत बताओ, पर मुझे पता है कि तुम इस वक्त अपनी माँ के बारे में ही सोच रहे हो। मैंने सही बोला ना? नहीं माँ, अब मुझे प्यार नहीं करती, वो बस मेरी छोटी बहन से ही प्यार करती है, इसीलिए मैं उनके बारे में नहीं अपनी असली माँ के बारे में सोच रहा था। पर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं अपनी माँ के बारे में सोच रहा हूँ? क्योंकि एक माँ ही अपने बच्चों की मन की बातें जान सकती है। तभी चुड़ैल धैर्य को अपना रूप बदल कर दिखाती है। धैर्य उसे देखकर हैरान रह जाता है। वो सामने दीवार पर टंगी अपनी माँ की फोटो को देखता तो कभी चुड़ैल को। उसे सब समझ आ गया कि वो चुड़ैल और कोई नहीं, उसको जन्म देने वाली अपनी ही माँ है। माँ, मैंने तुम्हें पहचान लिया, आप ही मेरी असली माँ हो। अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा, मुझे वादा करो माँ, मुझे छोड़कर आप नहीं जाओगी। मेरा बच्चा, मैं तो तुम्हारे आसपास ही थी, बस दिखाई नहीं दे रही थी। जब मुझे पता चला कि मेरा राजा बेटा बहुत दुखी है और वो मुझे बहुत याद कर रहा है, तो मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं आ गई अपने बेटे से मिलने के लिए। देखो रात बहुत हो गई है, इसलिए आओ मेरी गोद में, मैं तुम्हें सुला दूँ। धैर्य अपनी माँ के आंचल को कसकर पकड़कर सो जाता है। सुबह होते ही चुड़ैल गायब हो जाती है। जब धैर्य की आंख खुलती है तो वो अपनी माँ को इधर उधर ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते वो नानी के कमरे में पहुँच जाता है। धैर्य बेटा, तुम यहाँ आ ही गए हो तो जरा वो पानी पकड़ा दो, मुझसे तो हिला भी नहीं जाता। ठीक है नानी। जैसे ही धैर्य कमला के नजदीक जाता है, कमला जानबूझकर अपने ऊपर पानी गिरा लेती है और शोर मचाने लगती है। विशाखा बेटी, जरा जल्दी इधर आओ, देख तेरे इस बेटे ने मेरे साथ क्या किया है। विशाखा माँ की आवाज सुनते ही दौड़ी चली आती है। तेरे बेटे ने मेरे ऊपर पानी भरा गिलास गिरा दिया, मुझे लगता है कि ये मुझे पसंद ही नहीं करता। ठीक है, मैं आज ही यहाँ से चली जाऊंगी। माँ, तुम कहीं नहीं जाओगी, इधर ही रहोगी। आने दो आज इसके पिताजी को, अभी इसे बोर्डिंग स्कूल भिजवाती हूँ, तभी पता चलेगा इसे। और हाँ, आज तुम्हें खाने को कुछ नहीं मिलेगा, ये तुम्हारी सजा है। धैर्य रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। शाम का वक्त था, सभी एक साथ खाना खा रहे थे। धैर्य भी अपने कमरे में था। आज धैर्य खाने के लिए नहीं आया, तबीयत तो ठीक है ना उसकी? कमला के साथ आज जो हुआ वो सब विशाखा सौरभ को बताती है। कमला मजे से मुस्कुराती हुई खाने में लगी थी। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है और कमला के खाने की प्लेट उठाकर उसके मुंह पर मारती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को झूठा बताने की? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुझे मार दूंगी। चुड़ैल कमला का गला पकड़ लेती है। तभी वहाँ धैर्य भी आ जाता है। ये चुड़ैल कहाँ से आई और ये क्या बोल रही है? मेरी माँ को छोड़ दो, नहीं तो वो मर जाएगी। माँ, नानी को छोड़ दो, उन्हें मत मारो। धैर्य को चुड़ैल को माँ बोलता देख सब हैरान थे। इसने झूठ बोल बोल कर माँ बेटे को अलग किया, बता बुढ़िया सब। ये चुड़ैल सच बोल रही है, मैंने ये सब जायदाद के लिए तुम सब धैर्य से नफरत करके उसे अपने से दूर कर देते, और ये सब जमीन जायदाद मेरी बेटी और उसकी बेटी को मिलती। तुम माँ कहलाने के लायक नहीं हो, इन्हें मार डालो। सच्चाई सामने आते ही चुड़ैल कमला को धक्का देकर बाहर भगा देती है। विशाखा धैर्य से माफी मांगती है और उसे अपने सीने से लगाती है।
तुम दोनों मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल रखना। इतना बोलकर चुड़ैल गायब हो जाती है।